आप सभी को मेरा नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरोडे D3 टैबलेट्स के बारे में और जानेंगे इस दवाई की पूरी डिटेल इस वीडियो में कि किन कंडीशंस में डॉक्टर इस दवाई को देता है और क्या क्या इसके महत्वपूर्ण रोल होते हैं इस दवाई के। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज और काफ़ी हेल्थ टिप्स देखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो न्यूरोडे D3 टैबलेट है, ये एक ब्रांड का नाम है जिसे बनाती है डॉक्टर रेड्डी कंपनी। मार्केट में अलग अलग कंपनियां इसे बनाती हैं। मैंने आपके लिए राइट साइड में अलग अलग कंपनी की दवाइयां दिखा रखी हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए, इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें अलग अलग तरह के विटामिन पाए जाते हैं जिनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे शरीर के अंदर। और लगभग 60% लोगों में इन विटामिन की कमी होती है 30 साल से जो ज्यादा की उम्र के हैं उनमें। तो ये मान के चलिए ये विटामिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम आगे समझेंगे इनके क्या रोल होते हैं। सबसे पहले इसके उपयोग समझ लेते हैं। देखिए, क्या होता है, जब डॉक्टर के पास में पेशेंट आता है तो वो ये नहीं बोलता कि डॉक्टर साहब मुझे इन इन विटामिन्स की कमी हो गई है और मुझे इन विटामिन्स की दवाई दे दीजिए, ऐसा नहीं होता। दरअसल क्या होता है, पेशेंट को कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं, कुछ और परेशानियां नज़र आती हैं शरीर में, तो वो डॉक्टर के पास में आता है। तब डॉक्टर चेकअप करता है और इस दवाई का उपयोग जो है पेशेंट्स को बताता है। अब देखिए, वो सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि देखिए, अगर देखिए क्या होता है, जैसे जोड़ों में तकलीफ है, थकावट ज़्यादा रहती है शरीर में और चक्कर बहुत आते हैं और हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी रहती है, भड़काव रहता है, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और इवन नसों में चीज चलती है, तो भी डॉक्टर इस दवाई का उपयोग जो है पेशेंट्स को बताते हैं। देखिए क्या होता है, जब पेशेंट ये सारी समस्याएं बताता है तो डॉक्टर चेकअप लिखता है ब्लड का। तो ब्लड टेस्ट में पता चलता है कि विटामिन्स की कमी है और खून की कमी है, इसके साथ साथ विटामिन D3 की भी कमी है। तो इन सभी कमियों को दूर करती है ये दवाई न्यूरोडे D3। देखिए, हम जब हेल्दी फूड लेते हैं तो हमारे विटामिन्स हमें मिल जाते हैं, लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल के हिसाब से ये विटामिन्स हमें नहीं मिल पाते हैं, तो इसलिए इस दवा का उपयोग जो है डॉक्टर्स पेशेंट्स के ऊपर करते हैं। देखिए, ये दवाई क्या करती है, हमारे शरीर में आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है और हमारे शरीर में RBC जो कि खून का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाती है। तो जो एनीमिया और कमजोरी का जो लक्षण होता है वो सही होता है इस दवाई से। इसके अलावा इसके अंदर हमारे शरीर को रिपेयर करने की ताकत होती है, क्योंकि इसके अंदर पाए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में टॉक्सिन्स को हटाते हैं और हमारी बॉडी को ऑक्सीडेंट्स से मुक्त करते हैं। इसके अलावा देखिए, इसके अंदर D3 पाया जाता है जो हमारे शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और जो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही होती है उसे ये दवाई जो है कम करती है। क्योंकि देखिए, हड्डियों में जोड़ों की समस्या बहुत लोगों को देखने को मिलती है, स्पेशली जो 45 साल से ज़्यादा या 50 साल से ज़्यादा के लोग होते हैं, और बहुत थोड़े से काम में ही थकावट जो है ज़्यादा देखने को मिलती है, तो उसे ये दवाई जो है बहुत अच्छे से सही करती है, इसलिए डॉक्टर्स इस दवाई का उपयोग जो है पेशेंट्स के ऊपर करते हैं। और देखिए, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसके अंदर 5 तरह के विटामिन्स होते हैं, जिसमें से पहला होता है विटामिन B12, और इसी का ही एक रूप इसके अंदर पाया जाता है जिसे मिथाइल कोबलामाइन बोलते हैं। अब ये जो होता है, ये हमारे शरीर में खून बनने की जो सेल्स होती हैं उनको प्रमोट करता है, और उससे जो है ओवरऑल एनीमिया की शिकायत जो है कम होती है हमारे शरीर के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट मैंने बताया वो होता है लिपोइक एसिड, जो हमारे शरीर में न्यूरॉन्स के फंक्शन को अच्छा करता है, सेल डैमेज को जो है घटाता है, उन्हें हेल्दी बनाता है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन B6 भी पाया जाता है जिसे पैराडॉक्सिन बोलते हैं, जो कि हमारे शरीर में तरह तरह के फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो भी इसके अंदर पाया जाता है। यही नहीं, इसके अंदर फॉलेट भी पाया जाता है जिसे विटामिन B9 बोलते हैं। जो फॉलिक एसिड होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शरीर में सेल के बनने को, जो नई सेल्स जो बनती हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे बाल जो बनते हैं या फिर और भी कोई चीज़ बनती है, ओवरऑल इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर। तो ये जो 5 विटामिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, विटामिन B12, लाइपोइक एसिड, पैराडॉक्सिन, B9 और इसके अलावा D3 जो मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये 5 विटामिन इसमें पाए जाते हैं और इनका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल हमारे शरीर में रहता है। और देखिए, अपने राइट साइड में आप देख सकते हैं अलग अलग ब्रांड की दवाइयाँ हैं, यहाँ पर कंपोजिशन देखिए सबका सेम है। जैसे ये जो दवाई है विगटो ए, और ये जो दवाई है न्यूरोडे जिसके बारे में आज हमने समझा, इसका भी कंपोजिशन जो है सेम है। बाकी दवाइयों से कंपेयर करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है माइकोविट,
इसका भी कंपोजिशन जो है सेम है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और देखिए, कंपोजिशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी दवाई आप लेते हैं, ब्रांड अलग होता है लेकिन कंपोजिशन मैटर करता है। कंपोजिशन अगर सेम है तो जो एक्शन है वो भी सेम देखने को मिलेगा हमारे शरीर के अंदर। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी कंपोजिशन सेम है। लेकिन तो देखिए, ये था न्यूरोडे D3 टैबलेट्स के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।